यूसुफ को तैयार कर रही हूँ भाई। दुआ मांगोगे ना नाना के लिए? ओए नाना के लिए दुआ? आओ आपको सनोबर किचन के नजारे भी दिखाऊं। काफी दिनों से सनोबर किचन नहीं देखा ना आपने। तुम रोओगी तो हमें भी रोना आ जाएगा ना नानी। नानी अल्लाह पाक से दे, मामू को कुछ नहीं होगा। इस बरकती मौसम पे, इस अच्छे मौसम में मेरे अब्बू को शिफा दे दे काबले अता फरमा। क्या हसीन मौसम है खुदा की कुदरत। वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंचे शान है अल्लाह अल्लाह, उसकी सब निशान है। अस्सलाम वालेकुम, सनोबर छोटी व्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, अपने बहन भाइयों के साथ होंगे। काफी दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है, क्योंकि पता है आपको जब एक इंसान घर का फर्द बीमार होता है तो पूरा घर ही जो है बीमारी में चल रहा होता है। सबकी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब, मेरे शौहर गिरे उनकी तबीयत खराब, मेरे भाई की तबीयत खराब है, और अभी भी कंडीशन अब्बू की बहुत ही खराब है, जिसके बिना पे हम जो है आज जो है अपने घर में कुरान खानी का एहतमाम किया है, क्योंकि अब्बू की कंडीशन दिन ब दिन जो है ना बहुत ही खराब होती जा रही है। अब्बू को एक ही साथ ही मसले मसाइल हो गए। पहले हुआ अब्बू को क्या नाम है मोशन, फिर उसके बाद हुआ बुखार, बुखार आने के बाद उनका यूरिन बंद हो गया, यूरिन के बाद उनका अटैक हुआ गुर्दों में, गुर्दों में अटैक होने के बाद उनको हो गया दिमाग का फालिज, जिसकी वजह से अब्बू बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ इतनी मूवमेंट आई है कि इशारा इशारा कर रहे तो इधर उधर जो है ना डेले घुमा रहे हैं आंखों के ना। तो उनके वो बीमार होने की वजह से मैं भी बहुत बीमार हूँ, मेरा सीना खराब, गला खराब, बुखार हुआ हुआ है, और बहुत ही घर में ना टेंशन है, ना खाने का दिल चाहता है, ना पीने का दिल चाहता है बस। और इतने दिनों से मैं जो काम भी बाहर वीडियोस बनाने के लिए मुझे कॉलें आ रही हैं, इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आ रही हैं अपने वाले साहब के लिए, मैं वहां पे भी नहीं जा रही, वहां पे भी टाइम नहीं दे रही, पूरा दिन मैं घर पे होती हूँ, एक पाँव अस्पताल में, एक पाँव घर पे, एक पाँव अस्पताल में, एक पाँव घर पे। अभी फिलहाल घर पर इसलिए क्योंकि आज कुरान खानी का तमाम किया, आपको पता है घर का बड़ा होना लाजिम है, क्योंकि कबीर गए हुए हॉस्पिटल, अभी वो भी थोड़ी देर बाद आएंगे बच्चों को लेके, कुरान खानी के बच्चे आएंगे और फिर उनका भी अहतमाम करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत दुआएं करी और दुआओं से देखें तकदीरें बदलती हैं, और दुआओं का जो रद्द बदल होता है ना बहुत अच्छा होता है, मतलब दुआओं से आप सेहत भी मिलती है, दुआओं से आपको दौलत भी मिलती है, दुआओं से आपको औलाद भी मिलती है। तो हमेशा हर किसी के लिए दुआ किया करें और अच्छे अल्फाजों में याद किया करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरे वाले साहब को भी इसी तरह दुआ में याद रखें। आपका बेहद शुक्रिया, आप बहुत प्यार दे रहे हैं। आपको पता है ब्लॉग्स तो बहुत सारे मैं बना सकती हूँ, लेकिन अभी भी अभी तक किचन बंद हुआ हुआ है, वरना सनोबर किचन हमेशा आपको पता था चलता ही रहता था, मजे मजे के खाने बनते थे, लोग फरमाइश भी करते थे। यूसुफ को तैयार कर रही हूँ भाई, ये ना बहुत मुश्किल से हाथ में आता है ये, और तैयार होने का चोर ये नहीं होता तैयार, वो आप भी तैयार हो जाओ, कुरान खानी है आज, नाना के लिए कुरान खानी रखी, तैयार हो जाओ। सलवार कमीज क्यों नहीं पहनते? ये पहनोगे पजामा? टोपी कहाँ है आपकी? एक मिनट, ये अव्वा टोपी देना इसकी। इस्माइल वहां बैठे हुए, नानी भी वहां बैठी हुई है, अभी इस्माइल को उठाऊंगी, उसको भी तैयार करूंगी जल्दी जल्दी से, ये लोग तैयार हो जाते हैं ना तो रिलैक्स हो जाती हूँ। देखो टोपी इधर होगी, वो देखो सब देख रहे हैं आपको, सलाम करो, प्यार करो सबको, सलाम नहीं कर रहे, सबको सलाम कर दे मेरे बेटा। कहाँ है टोपी, कैप कहाँ है आपकी? ना जिद्दी हो गया ना यूसुफ, कहता बस ऊपर देखो सबको, उधर देखो सब, उधर देख रहे। आई पंखा चला रही, पंखा चला दो भाई, गर्मी लग रही है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर बड़ा हो गया यूसुफ का, अरे वाह माशाल्लाह, सब ऊपर देखो, ऊपर देखो माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अभी पाउडर लगाएंगे, लोशन लगाएंगे यूसुफ को, यूसुफ हो गया तैयार। से पारा पढ़ोगे यूसुफ? हैं, दुआ मांगोगे ना नाना के लिए? ओए नाना के लिए दुआ, दुआ मांगोगे ना? अच्छा मोबाइल देखोगे, मोबाइल के बाद मांगोगे दुआ? गुच्छा है, अच्छा दुआ तो मांग दो ना, नाना को अल्लाह माँ सही कर दे, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, शर्म आ रही है। अच्छा अच्छा सिपारा पढ़ोगे? हाँ कुरान खानी बैठोगे? अच्छा चलो सही है भाई, यूसुफ हो गया तैयार, और जो है इसके बाद मैं इस्माइल को तैयार करूंगी, फिर आगे आपको दिखाते हैं। जी अंकल आए नहीं?
मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, एक मिनट दोबारा। वहां से हॉस्पिटल से भी कॉल आ रही है, मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं आर्टिस्ट हैं फनकार लोग, उनकी कॉल आती हैं कि हम लोग अस्पताल में खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां जाने नहीं देते, वहां देखने नहीं देते, वहां इतनी सख्ती है ना SIUT में, वहां बहुत ही ज्यादा मुश्किलात है, वहां बिल्कुल नहीं जाने देते। सोर्स अगर किसी की होगी तो वो जा सकता है, तो वहां कोई भी आता है तो कबीर भागते फौरन उनको दिखाने के लिए, उनको मिलवाने के। अभी उनकी कॉल आई कह रहे वो मुझे कबीर नहीं मिले, तो अभी मैं उनको इन्हीं को कॉल कर रही हूँ कि जल्दी से जाए, वो नीचे खड़े हुए ऊपर ले जाए, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट रऊफ आलम हुआ है। जितनी भी सफाई कर लो ना, ये बच्चों ने ना बेड़ा गर्क करना है। अभी मैं झाड़ू पोछा करके हटी हूँ, वो लहसुन भम है वो जगह जगह फाड़ है, जगह जगह फाड़ है, देखे सब खिलावा कर दिया। टोपी कहाँ फेंक दी अपनी, और नानी से मिलवाती हूँ। नानी, नानी को नाश्ता करा दिया मैंने, अभी नानी आराम कर रही है, लेटी हुई है नानी। नानी आई हुई है, बड़ा सुकून मिला हुआ है, मतलब एक हिम्मत मिली हुई हमें ना कि हाँ भाई कोई है हमारे सर पे बड़ा, तो मैं नहीं जाने दूंगी नानी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, समझो यहीं बैठी रहो, सही है। अभी नानी खामोश है, बिल्कुल चुप बैठी हुई। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आओ आपको सनोबर किचन के नजारे भी दिखाऊं, काफी दिनों से सनोबर किचन नहीं देखा ना आपने, तो मजे मजे के खाने नहीं पक रहे, अभी पकेंगे पकेंगे, थोड़ा सफर करें अब ठीक हो जाए, मैं इंशाल्लाह सनोबर किचन के नजारे दिखाऊंगी। सनोबर किचन फिर दोबारा से रवा दवा होगा, अभी जो है बस कुछ ना कुछ घर में पड़ा हुआ था बना के खा लेते हैं, क्योंकि अभी किचन नहीं दिखा रही मैं, क्योंकि अभी मामला ऐसे चल रहे हैं। अब बस अल्लाह पाक अब्बू को जल्दी से सेहत दे दे, फिर अब्बू जब घर पर आएंगे फिर देखें, उसके बाद इतने मजेदार ब्लॉग्स आएंगे रोज आपके लिए। मेरे बहन भाई बहुत इंतजार करते करते हैं ना आप लोग इंतजार, मुझे बताइएगा। कभी मेरी चप्पल लेकर आए थे किचन की, कितनी प्यारी सी है ना, किचन के लिए चप्पल लेकर आए थे, कह रहे थे तुम्हारे पाँव ना ठंडे हो जाते हैं, तुम ना किचन में चप्पल पहन के जाया करो। मैंने कहा अच्छा चले सही है। मैं बर्तन तो ऐसे लगते हैं जैसे अरे पता नहीं किचन हमारा कोई रेस्टोरेंट है, इतने बर्तन हो जाते हैं, अभी धोके हटो नहीं फिर बर्तन, अभी धोके हटो नहीं फिर बर्तन, फिर बर्तन। थोड़ा छोटी सी चाय बना लेती हूँ मैं। अच्छा आज जो है कुरान खानी में मैंने जो है बच्चों का घर में मैंने सोचा था कुछ बना लूं, कभी कहने लगे आपकी तबीयत सही नहीं है छोड़े अभी घर पे नहीं बनाए। आपको तो पता है मैं हर चीज घर में बनाती हूँ, चाहे वो जितने भी अफराद हो, 200-2500 में घर में ही चावल पका लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ। तो कभी ने कहा आपकी तबीयत सही नहीं छोड़े आप बाहर से मंगा लेगा, तो मैंने बाहर जो है बर्गर का एहतमाम किया, आज बर्गर बनवाएंगे ऑर्डर पे, ऑर्डर दे दिया उनको, तो वो इंशाल्लाह जो है 7 बजे तक बर्गर आ जाएंगे, बर्गर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अल्लाह पाक कबूल करे, और अल्लाह पाक जो है सबकी दुआओं को भी कबूल करे, सबकी तकलीफ को दूर करे पाक परवरदिगार। और अल्लाह के कलाम ज़रूरी पढ़ाना चाहिए, और अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, नमाज में बहुत ताकत है, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। मेरी डेगची काली इतनी हो रही है, मैं क्या बताऊँ, सिलेंडर की आग से, सिलेंडर की आग से ना ये काली हो रही है मेरी डेगचियाँ। अब जब फुर्सत होगी इनको मांजूंगी मैं। पति का है। अच्छा मेरा बेटा, इसको क्या बोलते हैं, चीनी, और इसको ये पत्ती है। अच्छा आग तुम लोग का हो, और वो चले गए। आप लोग दूध कौन सा यूज करते हैं? हम लोग थोड़ा टेट्रा पैक यूज करते हैं, खुल्ला भी यूज करते हैं, लेकिन खुल्ला भी थोड़ा नहीं है। ये अपने ब्लॉक्स लेकर आ गए, क्या खाने लेकर आए हो, क्या खेलोगे, क्या खेलोगे हैं, क्या करोगे? मजेदार सुनो भाई, किचन के हाथ की चाय, वो भी मेरे स्टाइल में। स्माइल के भी निकालने, स्माइल उड़ गए, स्माइल नाश्ता करेंगे, उनके लिए बिस्किट मंगवाए उनकी मम्मा ने। चाय चाहिए स्नोबर किचन की, आ स्माइल। वो देखो झूले, वो देखो स्लाइडिंग, ये देख रहे दोनों स्लाइडिंग पे खड़े होकर देख रहे। अब लोग कह रहे थे कि आपने स्लाइडिंग गलत जगह पर लगाई हुई है कि बच्चे खड़े होकर झांक रहे गिर ना जाए, स्माइल से देख सकता है। मौसम देखे, मौसम माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस मौसम, इस बरकती मौसम पे, इस अच्छे मौसम पे मेरे अब्बू को शिफा दे दे, कामला अता फरमा। क्या हसीन मौसम है, खुदा की कुदरत, खुदा का करिश्मा है, खुदा जब चाहे कुछ भी कर सकता है, दिन को रात, रात को दिन, ये देखे माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक कर देगा मेरे अब्बू को ठीक इंशाल्लाह। आओ बच्चो चाय पियो, बिस्किट खाओ, आओ आ जाओ, आओ बिस्किट। स्माइल अभी उठे और अभी इनका नाश्ता हो रहा है, 3 बजे आज छुट्टी थी इनकी, अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, कैफे बिस्किट्स खाएंगे ये। सबको सलाम करें, आपको पता है आज क्या है घर में, आज रखी कुरान खानी, कुरान खानी रखी है नाना के लिए।
नाना के लिए बहुत परेशान है, बड़ा है ना ये समझदार है, यूसुफ छोटा है। नाना के लिए कल तस्बीह भी पढ़ रहे थे, बहुत रो रहा था नाना के लिए। ये वाला खोलू, नानी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा। नानी लोग वहां बैठे हुए और वो बेड पे लेटती है, नानी ना बैठ नहीं सकती, कम से कम नानी 10 मिनट के लिए बैठेंगी, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकती। मैंने कहा नानी आप लोग वहीं बैठो, वरना कुरान खानी का वहां था एहतमाम करने का, क्योंकि अब्बू वहां लेटे हुए थे ना, जहाँ मेरे अब्बू लेटे हुए वहीं मैं कुरान खानी कराऊ। लेकिन अब्बू की अब यहाँ करवा रही हूँ, इस कमरे में करवा रही हूँ, क्योंकि वहां नानी लेटी हुई है, अच्छा नहीं लगेगा। इस कमरे में एहतमाम कर रहे हैं कुरान खानी का। अगरबत्ती चला लेती हूँ, क्योंकि कुरान खानी होती है, घर में अगरबत्ती जलानी चाहिए, जब घर में नजरों नियाज हो, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, और वैसे भी जलानी चाहिए, हर जुमेरात को आप जलाया करें अपने घर में। और ये कितने जमाने से ही आ रही है मेट्रो की अगरबत्ती, तो कौन कौन ये मेट्रो मिलन की अगरबत्ती जलाते, कौन कौन जलाता है मुझे बताएं। मेरा लेटर 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 ये रहा लेटर मेरा। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, अल्लाह नहीं, किसी किसी को एलर्जी होती है अगरबत्ती से। और हर जुमेरात को अपने घर में जलाया करें आप लोग। कुरान खानी के लिए आपको पता है मेरे दो पार्टनर जो हमेशा की तरह मेरे साथ होते हैं वो भी आज आएंगे, क्योंकि क्योंकि कबीर अस्पताल आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई देखने आ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब अब्बू के बहुत सारे दोस्त, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने खानदान, खानदान के लोग कम है, दोस्त ज्यादा है, गैर ज्यादा है, अपनों की तादाद कम है। और क्या नाम है, क्योंकि अब्बू जो है शोबिस से, अब्बू का ताल्लुक है, शोबिस के लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, तो मैंने अपने पार्टनर्स को बुलाया, क्योंकि वो जाएंगे बाहर बर्गर्स का ऑर्डर देने, और वो बर्गर का एहतमाम करवाएंगे बाहर जाके, कुरान खानी का एहतमाम कराएंगे, सिपारे लाएंगे, बच्चों को लेकर आएंगे, तो बच्चों को लाना छोड़ना ये सब उनके जिम्मे, तो वो लोग बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। बत्ती जला लेती हूँ, अच्छा नाजरीन बच्चे बस आने वाले हैं मदरसे के बच्चे, और बस अभी मेरे पास वो फारूक की कॉल आई है, तो फारूक भी आ गया है, फारूक को मैं दरवाजा, अंधेरा इतना हो रहा है, लाइट गई भी, आ गए फारूक। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, हाँ अल्लाह का शुक्र। अब मैं कह रही थी यार तुम लोग जल्दी आ जाते तो अच्छा था, बहुत लेट हो गए मैं, हाँ ये मेरे से नहीं हो सकता, लेट हो गए तुम लोग, क्या हुआ था, बारिश भी ना कराची में, तो हाँ मौसम चेंज हुआ है बारिश का। बस बच्चे आने वाले कुरान खानी के, आप लोगों ने क्या करना है, बर्गर का ऑर्डर देना है और बच्चों को लेकर आना है सिपारों के साथ, सही है, और चलो लेट जाओ आराम कर लो, आओ लेट जाओ। मामू अब मुंह बंद हो गया, हाँ मुंह बंद हो गया, मुझे पता है मामू बात नहीं कर पा रहे, सही हो जाएंगे नानी, तुम हिम्मत करो, अब तुम तो हमें हिम्मत दे रही थी, हमें हौसला दे रही थी, है खुद रोने लग गए, परेशान नहीं हो नानी, तुम रोगी तो हमें भी रोना आ जाएगा ना नानी, है नानी। नानी नहीं रो, असल में मेरे दो मामू हैं, उनकी ना बहुत तबीयत खराब है, मेरे छोटे मामू हैं गुलफाम मामू, उनके लिए भी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, उनकी बच्ची की शादी है और बहुत उनकी ना सीरियस हालत है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, पापड़ वधिका, क्योंकि माँ है ना, माँ जितनी भी बूढ़ी होती है औलाद के लिए, औलाद का दर्द होता है ना दिल में, क्योंकि वैसे भी इनकी तीन औलादें दुनिया से चली गई हैं, जो मेरे मामू थे, मेरी अम्मी, मेरी खाला, और बहुत जवानी की उम्र में गए हैं, मेरे छोटे मामू जो बहुत जवानी की उम्र में चले गए, आज उनका जो छोटा वाला बेटा है 6 साल का है, बहुत छोटी उम्र में वो वफात पा गए, तो बहुत दुख तो है ना दिल में, और गम तो भूलता नहीं है, जवान जवान आता चली गए, फिर अभी एक औलाद इनकी बीमार है बहुत ज्यादा, नहीं रोना नहीं, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो, हैं मैं वही सोच रही हूँ कि कब से खामोश बैठी हुई हो, क्यों बैठी हुई हो, क्या हुआ, मैंने अरूसा को बोला जाके पूछ तो सही, अल्लाह पाक से दे मामू को, कुछ नहीं होगा, चल लेट जाओ नानी, लेट जाओ, पानी भी नहीं जावा मुंह में कवा पर, अल्लाह तुम पानी पियो, अच्छा तुम पानी पियो, रो नहीं, पानी पियो, लेट जाओ, सही हो जाएंगे मामू, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो नानी, परेशान नहीं हो, सही, मैं खिड़की खोल लेती हूँ, लाइट चली गई ना, खिड़कियां खोल लेती हूँ, मौसम भी नानी इतना अच्छा हो रहा है, नानी इतना मौसम अच्छा हो रहा है, ये देखो, हाँ मैंने बोल दिया सबको भाई, सब मेरे मामू के लिए दुआ कर दे भाई, सब इंशाल्लाह दुआ करेंगे सब, ये मेरे बहन भाई ना बहुत चाहते हैं नानी मुझे, और इनको मैं कहूंगी क्यों नहीं दुआ करेंगे सब, दुआ मेरे अब्बू के लिए कर रहे हैं, मामू के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। लाइट गई ना, चलो नाजी बच्चे आ गए कुरान खानी के लिए, आ जाए यंग, आओ बेटा आ जाओ, आओ बेटा आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ। माशाल्लाह, और कहाँ है, और आ रहे हैं? हाँ ये बेटा सिपारे रखो बेटा इधर। इनके छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, इन्होंने नाजरा किया आप लोगों ने बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह हिफ्ज किया है माशाल्लाह। ये देखें हाफिज बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके माँ बाप तो बड़े खुश नसीब है। आ जाओ बच्चा, ये तीन रह गए थे, तीन बच्चे भी आ गए, आ जाओ माशाल्लाह। और सबने दुआ करनी मेरे अब्बू के लिए, मेरे अब्बू अस्पताल में, सही बच्चों। फूल लेकर आ रहे, इतना लेट लेकर आ रहे हैं बाबू। ये माशाल्लाह हमारी भाभी के अब्बू हैं, बहुत ख्याल करते हैं भाई। ये बर्गर तैयार करके लेकर भी आ गए फटाफट माशाल्लाह। अंकल शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज है सारे बच्चे, और इतना अच्छा लग रहा है, पूरे घर में गूंज रही इनकी आवाज। और कबीर भी आ गए अस्पताल से। हाँ भी सब चले गए मेहमान, मतलब एक एक करके सब आ रहे हैं सब। अभी कौन आया था? चलो कबीर की टांग पे भी लगी हुई चोट, अभी तक सही नहीं हुई कबीर की टांग। बैठ जाए तो बैठ जाए, मैंने सारा एहतमाम कर लिया। बर्गर भी आ गए, बच्चे पढ़ रहे माशाल्लाह, और सब एहतमाम हो गया है। बस दुआ करेगा इसके बाद, कुरान खाने के बाद दुआ करवाएंगे, फिर इसके बाद बर्गर बांटेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, माशाल्लाह सबने सिपारा पढ़ लिया, अब दुआ हो रही है और सबके लिए दुआ करवा रहे हैं, आप लोग के लिए भी दुआ करवा रहे हैं। सब जितने भी बहन भाई बैठे हुए जो देख रहे हैं, सब दुआ के लिए हाथ उठा लें। محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں اس قران پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ سب کو معاف فرما या अल्लाह। और जिस मकसद के लिए कुरान खानी कराई गई है या अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमा, और या अल्लाह हमारे मोहम्मद अकबर भाई की सेहत एक सेहत कामला आजल अदा फरमा। या अल्लाह ज़ुल्फ़िकार भाई को भी सेहत कामला आजल अदा फरमा। या अल्लाह गुलफाम भाई को भी सेहत कामला आजल अदा फरमा। परवीन हमारी बहन परवीन है या अल्लाह उनको भी सेहत कामला आजल अदा फरमा। और या अल्लाह हमारे सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। जनाब और ज़ैबुन निसा की या अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा, दोनों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह जो इस कुरान में कमी कोताही हो गई या अल्लाह उन सबको माफ फरमा, और या अल्लाह इन सब घर में सबको सेहत कामला हासिल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क मुहम्मद व अला आलि असहाबी अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ये फारूक जल्दी से बर्गर डिस्ट्रीब्यूट करो। बेटा 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 एक जरा बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौम الدين इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम। या रब्बुल इज्जत गफूर रहीम, और तू दिलों के हाल जानता है, तू नियतों के हाल जानता है। रब्बुल इज्जत आज घर में जो कुरान खानी की, अल्लाह पाक बारगाह में कबूल मक़बूल फरमा। मेरे अब्बू को अल्लाह पाक सेहत कामला अता, साथ खैरियत से अपने घर पर आ जाए। अल्लाह पाक मेरी अम्मी रिफत सुल्ताना उनकी मगफरत फरमा। अल्लाह पाक मेरी खाला शहनाज अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमा। अल्लाह पाक मेरे सलमान मामू की मगफरत फरमा। अल्लाह पाक मेरे गुफा मामू को सेहत तंदुरुस्त फरमा। अल्लाह पाक मेरे ज़ुल्फ़िकार मामू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह पाक ईमान भाभी को अल्लाह पाक औलाद से नवाज़ दे। अल्लाह पाक शीरीन भाभी को सेहत कामला अता फरमा, उनको खैरियत से फारिग कर दे। अल्लाह पाक मेरी बहन का नसीब अच्छा करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो भी ये दुआ सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी जो भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक, और जो दुआ सुन रहे हैं अल्लाह पाक सबकी नेक हाँ जाते हैं तमन्नाएं दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमा। अल्लाह पाक मेरे दोनों भाइयों को सेहत तंदुरुस्त फरमा। अल्लाह पाक मेरे शोहर को सेहत तंदुरुस्त फरमा। अल्लाह पाक जो परेशान है अल्लाह को उनकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह पाक जो बीमार है अल्लाह पाक उनकी सेहत तंदुरुस्त फरमा दे। अल्लाह पाक
अल्लाह पाक जो हमने काम स्टार्ट किया अल्लाह पाक अपनी बारगाह में अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमा, और अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम मुसलमान उम्मत मुसलमान मुसलमानों को सेहत कामला अता फरमा। अल्लाह पाक जो परेशान हालात हैं अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको बीमारी से निजात दे दे, अल्लाह पाक जिनके घर में खाने को नहीं अल्लाह पाक उनको रिस्क में बरकत अता फरमा। या रब्बना या रब्बना या रब्बना माशाल्लाह। आज हमने वाले साहब के लिए कुरान खानी का घर में एहतमाम किया था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज में आज कुरान खानी की गई और उसमें दुआ भी की गई सबके लिए, आप लोग के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए। अभी हम शाम की चाय पी रहे हैं और बस वही टेंशन ही टेंशन है, घर का माहौल बिल्कुल सबका टेंशन हुआ हुआ है, चेहरे सबके मुरझाए हुए हैं, परेशानी वाला माहौल है, सब तस्बीहां पढ़ रहे हैं। लेकिन खाना पीना तो ज़िंदगी के साथ साथ है ना, वो तो छुटता ही नहीं किसी का, क्योंकि खाएंगे तो चलेंगे। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे में याद रखिए, मेरे वाले साहब को हमेशा की तरह इस व्लॉग में भी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूंगी क्योंकि किस किस ने मेरे बहन भाइयों ने मेरे वाले साहब के लिए दुआएँ करी। आप लोग अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करें और देखते रहिए स्नोबर्ड चोटी व्लॉग।